कोरोना महामारी के दौरान दवा की उपलब्धता को बरकरार रखने को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर शनिवार को औषधि निरीक्षक अमित कुमार ने शहर के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानों में दवा का स्टॉक, दवा की बिक्री मूल्य, दवाओं की आपूर्ति समेत विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। मौके पर औषधि निरीक्षक ने कहा कि गिरिडीह में दवाओं की कमी नहीं है, अभी जिन जिन दवाओं की आवश्यकता है वे सभी दवा गिरिडीह में उपलब्ध है, कहीं भी दवा की जमाखोरी नहीं हो रही है। दुकानदारों को साफ निर्देश दिया गया है कि दवाओं की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही करें। इस दौरान दुकानदारों को सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। मौके पर उनके साथ कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बारे में जो है दंडाधिकारी महोदय और मजिस्ट्रेट साहब और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित निरीक्षण में निकले हुए थे। औचक छापामारी भी की गई बहुत जगह पर, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर की ओवर प्राइसिंग देखी गई, बट ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, जिसमें बार बार दुकानदारों के द्वारा जो है ट्राई किया जा रहा है कि हम लोगों तक पहुँच सके। किसी भी अन्य दवा के बारे में जो है और भी कहीं से भी कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली कि वो कम है। काला बाजारी का अभी तक कहीं कोई सूचना नहीं मिला। इसके लिए हम लोग मुस्तैदी से सारे जगह घूम रहे हैं और आगे भी ये टीम जो है इसी काम के लिए डिप्यूट की गई है, आगे भी घूमती रहेगी। इसलिए जो भी काला बाजारी में लिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ में साथ ये भी कहना है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे बाजार में किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं है, इसलिए पैनिक होने की नहीं जरूरत है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होने पर स्थानीय औषधि निरीक्षक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या डीसी महोदय को संपर्क किया। दवाई दुकान को क्या हिदायत देना चाह रहे हैं? दवाई दुकान वाले खुद सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिदायत है कि आप खुद सतर्क रहिए तो सारे लोग जो है रोग से भागे हुए रहेंगे। तो अभी खुद का सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही मेरा मैसेज। ऑक्सीमीटर का क्या प्राइस है सर, कितना में बिकता है? ऑक्सीमीटर का डिफरेंट क्वालिटी आ रहा है। जो पहले ऑक्सीमीटर हमारा 900-1100 का आ रहा था, अब उसका जो है मान लीजिए MRP से वो बहुत ही कम मूल्य पर मिल रहा है। फिर भी क्वालिटी वाइज जो अभी मार्केट में कहीं 1200, कहीं 1400, कहीं 1500 में जिसकी जैसी क्वालिटी है 1600-1700 तक में मिल रहा है, तो उसमें MRP से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा। और जैसी अवेलेबिलिटी आ रही है या बिल पे आ रही है उसके अकॉर्डिंग कर रही है। ठीक है, टीम में कौन कौन है सर? टीम में हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र सर हैं, मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित हैं और हमारे दो कोर्स हैं।